हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। चंदा बिस्ट ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है 2 तारीख और 2 तारीख है आज, तो आज है महाशिवरात्रि। आज जल चढ़ेगा, कांवड़ियों ने आज जल चढ़ाया है और मैं ब्लॉग बना रही हूँ शाम की 6 बजे से। तो अब हम भी घर में शिवलिंग बनाकर जल चढ़ाएँगे और पूजा करेंगे प्रदीप मिश्रा के द्वारा कहे गए। तो मैंने बनाया है शिवलिंग, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको शिवलिंग कैसा बनाया है मैंने शिवलिंग। तो चलिए बनाते हैं शिवलिंग। तो मम्मी लाई थी खेतों से मिट्टी और ये मैं मिला रही हूँ इसमें भस्म। तो ये मम्मी खेतों से लाई थी मिट्टी, तो इसमें भस्म मिलाकर मैं बना रही हूँ शिवलिंग की तैयारी कर रही। तो इसमें मैं देख रही हूँ कहीं पत्थर वगैरह कुछ है तो नहीं, तो मैं उसको चेक कर रही थी और बार बार उस भस्म को मिला रही हूँ अच्छे से। तो मिट्टी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली, गूंद ली। तो अब मैं लेने जा रही हूँ बर्तन जिसके ऊपर मैं शिवलिंग रखूँगी। तो मैं बर्तन लेकर आई हूँ, किचन में गई थी मैं बर्तन लेकर आई फटाफट, और इसके ऊपर अब मैं शिवलिंग बनाऊँगी इस बर्तन में और फिर करेंगे पूजा। तो चलिए देखिए मेरी शिवलिंग कैसे बनती है और आपको कैसे लगते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैंने शिवलिंग अच्छी बनाई है बेकार बनाई है। तो हर हर महादेव ज़रूर लिख देना मेरे कमेंट्स में। बन गया है मेरा शिवलिंग। तो आज है महाशिवरात्रि 2 तारीख और आज हम शिवलिंग बना के पूजा करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिए हैं कपूर, ये लिए हमने फूल, यहाँ पर लिया हमने जन्यू, तो यहाँ पर लिया हमने सुपारी, ये है हमारे कमलगट्टे, ये है हमारे फूल और ये है हमारी काली मिर्च और यहाँ पर है हमारे बेलपत्री और यहाँ पर है हमारी इलायची और ये है शमी पत्ते और ये है धूप। तो चलिए मिलते हैं शाम के 7 बजे से। तो सामग्री थोड़ी बहुत इकट्ठी कर ली है, यहाँ पर और भी इकट्ठी कर रखी है सामग्री, ये फूल और एक्स्ट्रा ला रखे हैं, यहाँ पर हवन सामग्री है और ये है जो क्या कहते हैं उसे मिठाई और यहाँ पर है फ्रूट, ये है फ्रूट। तो जब पूजा करेंगे तब रखेंगी। तो इस पर ये है हमारा क्या कहते हैं उसको बेलपत्र, इस परात में रखे जाएंगे भोलेनाथ की शिवलिंग और ये हमें रख दिया है परात में बेलपत्री और ये है बेल जो शिव जी को अति प्यारा होता है, ये है बेल, ये चढ़ाया जाएगा और ये है माला, ये है माला और ये है कुछ चावल जो भोलेनाथ को चढ़ेंगे और ये है गेहूं के दाने जो भोलेनाथ को चढ़ेंगे। तो हम करेंगे शाम को भी, ये सारी सामग्री हमने इकट्ठी कर ली है और ये है माला, अभी मैंने खोली नहीं है, अभी थोड़ी देर में खोलूँगी। और ये है भस्म जो हमने शिवलिंग में मिलाकर बनाई है और तो शाम के 7 बजे करेंगे पूजा। अभी कर ली है सामग्री इकट्ठी, तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, तब तक मैं करती हूँ खाने की तैयारी गर्मी में दिन शाम के खाने की तैयारी और फिर मिलते हैं शाम के 7 बजे आप लोगों से। साबुदाना घी में और ये है चावल जो भीगे हुए हैं, अब इनको डालेंगे इसमें। तो ये चढ़ गई मेरी खीर, यहाँ पर मैंने चढ़ा दी खीर।
अब चढ़ाऊंगी, तो खीर चढ़ा दी है, अब चढ़ाऊंगी आलू सब्जी के लिए, चढ़ाऊंगी आलू सब्जी के लिए। तो खाना तो मैं बना कर आ गई हूँ, खीर बना दी है मैंने और आलू चढ़ा के आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं नहला रही हूँ कान्हा जी को, और ये रही शिवलिंग हमारी, तो हमने शिवलिंग भी लिया है। यहाँ पर मैं कान्हा जी को नहला कर कपड़े पहना रही हूँ। तो बेटा मेरा चौकी लाया है जिसके ऊपर हम परात रखेंगे, परात के ऊपर हम शिवलिंग रखेंगे। तो सामने टीवी चल रहा है, उसी के द्वारा जैसे जैसे वो कहेंगे वैसे वैसे हम पूजा पाठ करेंगे। तो हम अभी सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं और धीरे धीरे लगा रहे हैं। तो चलिए देखते रहिए कैसे कैसे होता है, और बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। 100 डिग्री 70 पे कर दें, ओम पृथ्वी दया दत्ता तेज तुम विष्णा दत्ता पंचधारणां देवी परंतरं उपरां तरगतेन पवित्री धारण अपि सीधे राज्य नाम आदि मंदिर में चावल की कटोरी है वो अभी लिया होती ना हो तो भगवान की होती बना करके पहले ओके जी वो क्या है पवित्र स्टोव चीनी मम्मा ये क्या है वो पत्तियों के बगल वाले में अपनी सिद्धा से स्पर्श कीजिएगा माताएं सभी हाथ जोड़ लें ओम मानसो तो यहाँ पर हो गई है पूजा स्टार्ट और मम्मी जी मेरे बांध रही हैं कलावा और यहाँ पर हमने थोड़ा सामान लगा लिया है थोड़ा रह गया है तो जैसे जैसे पंडित जी कहेंगे वैसे वैसे हम सामान रखेंगे तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं चलते हैं पूजा की ओर तो चलिए करते हैं पूजा दीपक तो दिए जलाओ अरे मैं कब बैठूंगा अम्मा के लेकिन अरे वो बिछा बेटा अपने बाएं हाथ में अक्षत लीजिएगा सीधे हाथ से दो दो अक्षत हम जिन जिन देवी देवताओं का नाम लें उन्हें प्रणाम करते हुए आप गणेश जी महाराज के चरणों में अर्पित करते जाएंगे ओम श्री मन महागणाधिपतये नमः ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः ओम पाणि हरिनमाभ्याम नमः ओम सती पुरंदराभ्याम नमः ओम मात्रे पितृ चरण कमलेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो सागरेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो पर्वतेभ्यो नमः ओम महर्षि यागवर्षेभ्यो नमः नमः परमेश्वरी गुरु यहाँ पर पूजा स्टार्ट होती है और मम्मी ने यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित करा है और आदि वहाँ अपने बैठने के लिए आसन बिछा रहा है और अब पूजा स्टार्ट होती है चलिए जोड़ लीजिए हाथ जोड़ करके गंगापति महामंत्र का स्मरण करें तो चलिए पूजा करते हैं स्टार्ट और यहाँ पर पूजा हो गई है स्टार्ट मैंने धरती मैया को चरण स्पर्श करे फिर उनको पिठिया लगाया मम्मी कहती थी यहाँ पिठिया लगाओ पूजा करो फूल चढ़ाओ तो मैं वैसे वैसे कर रही थी तो फिर थोड़ी देर बाद मम्मी ने कहा दिए को भी पिठिया लगाओ तो मैंने दिए को भी पिठिया लगाया और बेटा भी मेरा साथ बैठा था उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था उसको इन चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ में वो बहुत ध्यान देता है तो वो भी बैठ गया हमारे साथ पूजा करने के लिए और बेटी मेरी वीडियो बना रही थी वही बना रही थी वीडियो और फिर पंडित जी ने कहा आज छीत और फूल हाथ में लेकर भगवान शिव का ध्यान करें और उनके ध्यान स्मरण करें तो हम सबों ने फूल और आंचित लेकर ध्यान स्मरण करा उनका तो चलिए देखते हैं आगे कैसे कैसे पंडित जी कहते हैं और कैसे कैसे हम करते हैं तो हमारे साथ बने रहना हमारी वीडियो में तो चलिए चलते हैं आगे तो चलिए गाइस आगे देखते हैं कैसे कैसे हो रही है पूजा तो यहाँ पर हमने करी अभी भूमि पूजन तो अब पंडित जी ने कहा कि उनके बाद करेंगे हम गौरी मैया और गणेश जी का आह्वान तो उनका ध्यान स्मरण करें और हाथ में पुष्प और आंचित लीजिए तो हमने उनका भी ध्यान स्मरण करा साथ में मेरा बेटा भी बैठा है उसको भी पाठ पूजा में बहुत रुचि है तो वो भी हमारे साथ लगा हुआ था तो हमने गणेश जी का आह्वान और गौरी मैया का आह्वान करा और हाथ में पुष्प लिए मारा तो मेरा
अब सब पुष्प लेकर के गणेश जी महाराज माता गौरी जी से क्षमा प्रार्थना करिएगा। हमने आपका पूजन किया, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो, कमी आ रही हो तो उन्हें क्षमा करिएगा। हमारे घर में परिवार में सुख शांति समृद्धि प्रदान करिएगा। ओम मेरा सीधे हाथ में पूजनम अभिषेकम कर्म हम करेगा। सीधे हाथ में जल रखिएगा। ओम अष्ट श्री शुभ पंचाक्षर मंत्र वामदेव ऋषि शुभ संध्या श्री सदाशिव देवता ओम का छोड़ दीजिए भोलेनाथ के समीप। एक बिलपत्र रख लीजिएगा सीधे हाथ में। भगवान शिवलिंग से आपको इस बिलपत्र को स्पर्श करना है। मन में भाव रखें कि भगवान भोलेनाथ स्वयं साक्षात परम परमात्मा भूतेश्वर भोलेनाथ भगवान साक्षात शिवलिंग में आकर के विराजमान हो गए हैं और हमें उनके पूरे शरीर के दर्शन। तो यहाँ पर मम्मी ने और मैंने शिवलिंग के लिए बेलपत्र लिया और पंडित जी ने कहा था बेलपत्र को पूरी शिवलिंग में ले जाकर जहाँ से जल जाता है वहाँ पर छोड़ दीजिए। तो हमने वैसे ही करा और फिर आदि ने भी करा तो मैं गिरने वाली हो गई थी। ओम तो पूजा हो गई है स्टार्ट। फिर हमने इनको नहलाया चन्ना मिर्चे, जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे थे उन्होंने कहा चन्ना मिर्चे नहलाओ, तो ये चन्ना मिर्चे नहला दिया। फिर उन्होंने कहा इनको शुद्ध जल से नहलाओ, तो मम्मी शुद्ध जल डाल रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि चंदन से नहलाओ, तो यहाँ प्लेट में मैंने चंदन घोल रखा था तो उसको कटोरी में करके फिर चंदन को घोला और फिर इनको नहलाया। फिर चंदन से नहलाने के बाद इनको शुद्ध जल से नहलाया। फिर पंडित जी कहने लगे कि इनको अब सुगंध से नहलाओ, तो यहाँ पर छोटी सी टब्बी ला रखे थे हम सुगंध की यानी कि परफ्यूम की, उससे नहलाया इनको। फिर उसके बाद हमने फिर शुद्ध जल से नहलाया। तो ऐसे करते करते जैसे जैसे पंडित बता रहे थे वैसे वैसे हम कर रहे थे। तो पंडित जी ने कहा अब शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो हम लोगों ने भी जल चढ़ा रहे हैं। तो इस लोटे में हमने गंगा जल, आँची, तिल और शहद आदि चीज़ें मिलाकर शिवलिंग को स्नान करा रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद मम्मी इसमें दूध डालेगी कच्चा, तो इससे शिवलिंग को स्नान कराया जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या क्या होता है, पंडित जी कैसे कैसे बोलते हैं वैसे वैसे हम करेंगे। तो यहाँ पर जल चढ़ाने के बाद हम क्षमा अर्चना मांग रहे हैं। पंडित जी ने कहा क्षमा अर्चना करें कि हमसे जो गलती हो पूजा करने में से माफ़ करें। तो फिर पंडित जी ने कहा इन्हें शुद्ध जल से नहलाओ, और शुद्ध जल से नहला दिया है। अब पंडित जी ने कहा इन्हें वस्त्र की जगह कलावा धारण कराएं, और वो हमने धारण करा दिया है। और फिर जन्यू धारण कराना था वो भी हमने कराया। जैसे जैसे पंडित कह रहे थे वैसे वैसे मैं कर रही थी। तो यहाँ जितनी भी सामग्री रखी है वो सब चढ़ाएंगे। अब हमने लगा दिया इनको पिठिया, तो हमने पिठिया भी लगा दिया है, तिलक कर दिया है। और अब धीरे धीरे जितनी सामग्री वो डालेंगे। फिर पंडित जी ने कहा 21 चावल के दाने चढ़ाएं, तो वो 21 चावल के दाने चढ़ाए। और ये चिपक गए थे ढोने में, बड़ी मुश्किल से निकाले मैंने। फिर इनको चढ़ाया 21 चावल के दाने और थोड़े से तिल, ये तिल चढ़ा दिए हैं, 7 काली मिर्च। ये धीरे धीरे करके पंडित जी बोल रहे यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ ये काली मिर्च के दाने। और यहाँ पर ये 7 फूल हैं गुलाब के यानी कि लाल रंग के, तो पंडित जी ने कहा इनको भी चढ़ाओ 7 फूल। और ये बेलपत्र के भी 7 पत्ते, कमलगट्टे 5 कमलगट्टे, काफ़ी चीज़ें थी ये जो पंडित जी ने इनके बताया। यहाँ हो गई है पूजा समाप्त, और पंडित जी ने कहा आप भोलेनाथ से क्षमा अर्चना मांगे कि जो पूजा में कुछ भी गलती हो उसे माफ़ करना भोलेनाथ। तो हमने भोलेनाथ से क्षमा अर्चना मांगी और करते हैं अब आरती की तैयारी।
तो यहाँ पर मैंने कर दी थी आरती की तैयारी और अब मम्मी आरती कर रही हैं, तो थोड़ी देर बाद मैं करूँगी इधर आरती। और आरती करने के बाद फिर देखते हैं पंडित जी क्या कहते हैं, शिवलिंग हमने क्या करना है फिर वो बताएंगे। हम दोनों आरती कर रहे हैं। तो यहाँ पर आरती ख़त्म हुई तो पंडित जी ने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, तो हम कर रहे हैं। जय हो गुरुदेव भगवान की, जय हो अपने अपने गुरु माता पिता की, जय हो पर भगवान की, जय हो धाम की, जय हो हरे हरे महादेव। तो लीजिए यहाँ पर हो गई है पूजा समाप्त और यहाँ पर हम शिवलिंग जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं। और फिर प्रदीप मिश्रा जी ने कहा था कि जो शिवलिंग है उसको आप विसर्जित करने कर देना, तो विसर्जित के लिए तो यहाँ जगह नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि एक टब में पानी लेना और उसमें इनको विसर्जित कर देना। तो मम्मी ने इनको सर पे रखा और फिर इनको विसर्जित कर रहे हैं। हम टब में पानी रखा हुआ है, इसमें हम विसर्जित कर रहे हैं। फिर ये सुबह तक जो है मिट्टी गल जाएगी, शिवलिंग गल जाएगी, तो इसका पानी हम अपने पौधों में डाल देंगे। तो हमने ऐसे ही करा जैसे आपसे उन्होंने कहा था, फिर सुबह होते हम इसको पानी को डाल देंगे। तो मैं ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।